हेलो दोस्तों दोस्तों आज का जो मैच होने वाला है इस कतर मैच होने वाला है। मुझे लगता है कि आज का जो मैच है वो धमाकेदार मैच होने वाला है, तो इसीलिए मैंने अपना प्रेडिक्शन दिया है। देखते हैं कि उसमें कितना सही बैठता है कितना गलत बैठता है। दोस्तों एक चीज का मैं बड़ा ध्यान रखता हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो उस तरीके से बनाऊं ताकि उसमें ज्यादा आप लोगों को टाइम ना देते हुए एक शॉर्ट टाइम में आपको प्रॉपर नॉलेज मैं आपको दे सकूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैंने पूरी तरह से सर्च किया है कि मुझे अपनी जो टीम बनानी है वो किस तरह की बनानी है, किस किस प्लेयर को अपनी टीम में रखना है, किस प्लेयर को नहीं रखना है। ये सारी चीजें मैंने काफी सर्च करने के बाद में, ये वीडियो थोड़ा सा मैंने लेट बनाया है इसलिए क्योंकि शाम का मैच है, लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरी मेहनत करके इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा एक वीडियो नहीं रखेंगे। तो दोस्तों आज जो चेन्नई की जो टीम है काफी पावरफुल टीम है, सारे लोग आप जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो आज की टीम है चेन्नई वर्सेस कोलकाता, दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट जब ये मैदान में उतरते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। और यही उम्मीद है आज भी कि आज हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ये सारा कुछ सर्च करके मैंने आपको आपके लिए जो टीम बनाई है, जो मैंने मेरी जो प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि कौन प्लेयर चलेगा कौन नहीं, वो सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए देखा है कि कौन सा प्लेयर किसके अगेंस्ट ज्यादा चलता है, कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को स्ट्रगल कराता है अपनी बॉलिंग में, तो ये सारी चीजें मैंने चेक करके और ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आज की जो टीम है मेरी, ठीक है दोस्तों, वो क्या रहेगी ये चीज मैं आपको बता देता हूँ अपने सिस्टम पर देखकर आपको फिर डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी टीम में जो सबसे पहले रखा है वो साल्ट को रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। साल्ट को रखना जरूरी है और ये कंपलसरी भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरीके से जब मैंने जब इनका एवरेज देखा है और पीछे के जो चार से पांच, पांच से छह जो इनके मैचेस के जितने भी एवरेज वगैरह जितना भी इन्होंने उसमें जैसा अपना इनका प्रदर्शन रहा है, मैंने वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए तब जाके इनको लेना जरूर समझा। तो दोस्तों मैंने साल्ट को लिया है और प्लस गायकवाड़ को मैंने रखा है अपनी टीम में, दूसरा मैंने श्रेयस अय्यर को भी मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है क्योंकि अय्यर आपको पता है कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो भी मैंने उनको भी रखा है दोस्तों। और रचिन रविंद्र को भी मैंने रखा हुआ अपनी टीम में, ठीक है दोस्तों। और दुबे को मैंने रखा है, आप दुबे को भी ले सकते हैं क्योंकि इनका भी ठीक ठाक स्कोर है। और दोस्तों मैंने इसमें मोइन अली को रखा हुआ है, मोइन अली हो गया, मोइन अली को आप रख सकते हैं, काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। और दोस्तों इसमें आंद्रे रसल को आप रख सकते हैं, मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है आंद्रे रसल, बहुत ये ऐसे बैट्समैन है जो कभी भी एक ब्लास्ट की तरह फट सकते हैं और किसी भी तरीके से किसी भी बॉलर को उधेड़ सकते हैं और ठीक ठाक उनकी बॉलिंग भी अच्छी खासी है, तो इसलिए आंद्रे रसल को रखना मुझे जरूरी लगा तो मैंने इनको अपनी टीम में रखा हुआ, ठीक है दोस्तों। मैंने फिर उसके बाद में रविंद्र जडेजा को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये जरूरी भी है। रविंद्र जडेजा एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, बॉलिंग भी उनकी ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि मुझे रविंद्र जडेजा को रखना चाहिए था। और मैंने अपनी प्रेडिक्टेबल टीम जो तैयार की है उसमें रविंद्र जडेजा का मैंने नाम रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला नाम हम रखते हैं सुनील नारायण। दोस्तों आपने देखा था कि पिछला उनका सुनील नारायण का जो पिछले मैच में जो उनका प्रदर्शन रहा है कितना गजब का, उन्होंने अपना आपको अपना जो प्रदर्शन किया है काफी लोगों को उन्होंने बड़ा ही मतलब पूरे ही स्टेडियम में उनका ही नाम गूंज रहा था जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सुनील नारायण को आज अपनी टीम में रखा है और मैंने उन्हें एज ए कैप्टन रखा हुआ है। कैप्टन मैंने सुनील नारायण को रखा हुआ है इस टीम में, ठीक है दोस्तों। मैंने इसके बाद चहर को भी इस अपनी टीम में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और जो लास्ट है वो है चक्रवर्ती को भी रखना मुझे लगा कि ये उनका जो मैंने पिछले चार पांच मैच की अगर मैं बात करूं वो सब देखते हुए मुझे जो मैंने एक एक बारीकी से चीजें जो देखी है उसके बाद में, दोस्तों देखिए कहते ना कि आपको टीम बनानी है, बेटर टीम बनानी है, सर्च करने के लिए आपका भाई बैठा हुआ है, आपके भाई ने पूरी तरीके से सर्च किया है कौन सा प्लेयर हमारी टीम में होना चाहिए कौन सा प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद आज जो मैंने ये टीम बनाई है और मुझे लगता है कि अगर आप इस टीम के साथ आज जाएंगे तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेटर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी दोस्तों देखिए आपकी मर्जी है, आप अपने तरीके से अपनी टीम बनाएंगे, लेकिन जो मुझे लगा कि कौन सी टीम आप लोगों के लिए बेहतर होनी चाहिए मैंने एक कोशिश की और वो कोशिश करने के बाद मैंने आप लोगों को वो नाम भी बताए, तो इन नामों के साथ में आप अपनी टीम बना सकते हैं। और इस टीम में मैंने जो कैप्टन रखा है, मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर से बता देता हूँ, जो मैंने कप्तान रखा है वो रखा है सुनील नारायण को,
ठीक है दोस्तों। और जो मैंने वाइस कैप्टन रखा है वो रखा है ऋतुराज गायकवाड़ को, आप भी रख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने वाइस कैप्टन रखा हुआ है और कैप्टन मैंने सुनील नारायण को रखा हुआ है। दोस्तों इन सारे लोगों की मैंने जितना भी सारे लोगों के बारे में पिछले 4-5 मैचों का एवरेज लगाने के बाद में और उनके सारे रिकॉर्ड देखने के बाद में जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो मुझे लगता है, मुझे जो लगता है कि ये 11 प्लेयर मुझे लगता है कि मेरी टीम के लिए एकदम बेहतर है। दोस्तों आप मेरी टीम के साथ में जा सकते हैं, ये 11 प्लेयर के साथ में जा सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई टीम के अकॉर्डिंग आपको लॉस नहीं होगा और मुझे लगता है कि आप लोग जरूर विनिंग करेंगे, जरूर जीतेंगे। और दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश करता हूँ, बहुत ही ज्यादा डीपली जाके सर्च करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर टीम क्रिएट करके दे सकूँ। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कोशिश आप लोगों को ये टीम देने की कि किस तरह की टीम में आप लोग बना सकते हैं, किस तरह की टीम आप रख सकते हैं। तो ये आज का मेरा ये काम था दोस्तों, आप लोगों को ये टीम बना कर देना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टीम के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।